छोटा हो या बड़ा, हर बागीचे की जान होती है उसमें खिलने वाले बेहद खूबसूरत से फूल। और अगर आप कोई पौधा बीज से उगाते हो और उसमें फिर इस तरीके से फूल खिले तो मन को बहुत सुकून मिलता है। हे गाइस, वेलकम टू दीपिकास टेरेस गार्डन। मेरे गार्डन में इम्पेशियंस इस वक्त बेहद खूबसूरती के साथ खिल रहा है और मेरा आज का वीडियो है इन्हीं की केयर पर, कैसे करेंगे इनकी देखभाल और क्या आप इसे अभी भी बीज से उगा सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरे गार्डन में खिल रहे इन पौधों को मैंने सीड से ही जर्मिनेट किया है। मैंने seedsandpots.com से मंगाए थे इनके सीड्स। बालसम फैमिली से बिलोंग करता है इम्पेशियंस और आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं इसे सीड से जर्मिनेट अगर आप करना चाहते हो तो। बहुत सारी वैरायटी के पौधे, बहुत सारी वैरायटी के फूल मौजूद होते हैं इम्पेशियंस में। अगस्त से लेकर फरवरी तक आप कभी भी इसे सीड से जर्मिनेट कर सकते हो। ये पौधा हल्की गर्मी पसंद करता है, तो अभी से लेकर अगर आपने फरवरी में इनके सीड्स को लगाया तो आपको इसके फूल अप्रैल तक मिलेंगे। ये पौधा मरता नहीं है, बहुत ईजीली ग्रो करता है क्योंकि इसे हल्की हल्की गुनगुनी गर्म हवा पसंद होती है, उसी की वजह से ये अच्छी तरीके से डेवलप भी होता है। मैंने अपने गार्डन में फर्स्ट टाइम इम्पेशियंस को सीड से ग्रो किया है और इनको ग्रो करते हुए बहुत कुछ चीज़ें समझी हैं जिसे मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ अपने इस वीडियो में। गाइस, क्या लगता है आपको ये कौन सा कंटेनर होना चाहिए? ये एक फाइबर का बैटरी स्टोरेज बॉक्स है जो अक्सर हम फेंक देते हैं। मैंने इसी में इनके पौधे लगा रखे हैं और इस वक्त इसने इसे पूरा कवर करना शुरू कर दिया है। ये शुरुआती ग्रोथ है, अभी ये और खिलेगा। अगर मैंने और अच्छी केयर ली इसकी तो इसकी डेवलपमेंट और अच्छी होती जाएगी। इम्पेशियंस को आप सीड से बहुत इजीली जर्मिनेट कर सकते हो। इन फूलों को देखने के बाद अगर आपकी इच्छा है कि आप अभी फरवरी में इन्हें लगाओ तो बेशक आप इन्हें सीड से जर्मिनेट कर सकते हो। इसके अलावा भी इम्पेशियंस फैमिली से बिलोंग करने वाले सभी पौधे आप इस वक्त ग्रो कर सकते हो अपने गार्डन में। इम्पेशियंस को आप कटिंग से भी बहुत इजीली ग्रो कर सकते हो। गाइस, सिंपल सी एक छोटी सी स्टेम को कट कर लीजिए और एक बहुत हल्का मिक्सचर लाइक सैंड, कोको पीट और कंपोस्ट का रेडी कीजिए और उसमें लगा दीजिए इनकी छोटी छोटी कटिंग्स। 15 दिनों के अंदर ये रूटिंग ले लेती है और अच्छी तरीके से डेवलप होना भी शुरू कर देती है क्योंकि इम्पेशियंस को कटिंग से ग्रो करना भी बहुत ईजी है। इसका आप नर्सरी से पौधा भी बाय कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपसे कहूँगी कि आप पहले इसके एक पौधे को बाय करके उसकी केयर कीजिए, उसके फूलों को इन्जॉय कीजिए। बाकी सब कुछ ये पौधा आपको खुद ब खुद सिखा देगा और नेक्स्ट ईयर आप इसे सीड से ड्राई करने के लिए मजबूर हो जाओगे। मेरे इन पौधों को मैंने इस कंटेनर के अलावा एक दूसरे कंटेनर में भी लगाया है। इनकी अलग अलग ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। मैंने बहुत सारे पौधे लगाए थे, तकरीबन 20 से 25 सीडलिंग्स रेडी की थी। कुछ सीडलिंग बनते बनते डेवलप होते होने से पहले ही ख़राब हो गई और कुछ पौधे बनने के बाद ख़राब हो गए। इन सब में क्या रीज़न था ये भी आप लोगों से शेयर करती हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए। गाइस, इम्पेशियंस को सनलाइट अच्छी लगती है पर कितनी, ये क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के मन में। इम्पेशियंस को बहुत ज़्यादा तीखी तेज़ धूप पसंद नहीं होती। इसके पौधे में जो पत्तियाँ होती है और जो इनके फूल होते हैं उनकी पंखुड़ियाँ बहुत नाजुक हैं और ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ गर्मी होते बराबर ये मुरझाने लगती हैं। ये एक ही दिन में पूरे के पूरे सिकुड़ जाते हैं। अगर आपने इसे अच्छी सनलाइट दी तो इसके फूल इसके पौधे पर 2 दिनों तक बने रहते हैं, उसके बाद ये मुरझाते हैं। अगर तेज़ हो जाती है सूरज की रोशनी तो एक ही दिन में इसके फूल बिल्कुल श्रिंक से हो जाते हैं, झुलस जाते हैं। इम्पेशियंस को अगर आप लगाते हैं तो आपको इसकी सनलाइट की नीड में ये बात ध्यान रखनी है कि मॉर्निंग 6 o'clock से लेकर 12 o'clock तक की सनलाइट इसके लिए सफिशियंट है। उसके बाद इसे ऐसी जगह रखा जाए जहाँ छाया आ जाए। मैंने इसे ऐसी जगह प्लेस कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है जहाँ 12 बजे तक धूप रहती है और फिर ऑटोमेटिकली ही छाव आ जाती है और इसी वजह से इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। ये मेरा एक दूसरा कंटेनर है और इसमें मैंने वाइट वेनिला मैरीगोल्ड के साथ अपने इम्पेशियंस को लगाया है। मेरी इच्छा थी कि ये पौधे इस पूरे कंटेनर को कवर कर लेंगे तो लाइक एक फ्लावर कारपेट जैसा लुक आएगा। मैं कुछ हद तक ऐसा करने में सक्सेसफुल भी हो गई हूँ, लेकिन अभी ये फिर भी कुछ पौधे मुझे थोड़ा सा गड़बड़ कंडीशन में लग रहे हैं कि ये धीरे धीरे डेवलप होंगे, बट मैं अपनी कोशिशें जारी रखूँगी। गाइस, इन कंटेनर्स में जो मैंने सॉइल रेडी की है उसे मैंने ऊपर लिख दिया है कि मैंने क्या क्वांटिटी बनाई थी।
इम्पेशंस को जो सॉइल चाहिए वो ऐसी चाहिए जिसमें नमी बनी रहे पर पानी बिल्कुल ना रुकने पाए। इसीलिए मैंने इसमें कोको पीट ऐड बिल्कुल नहीं किया। इनके पौधे पानी से बहुत जल्दी मरने लगते हैं। एक बिल्कुल ही जूसी स्टेम जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है इस प्लांट का। इसके पत्ते भी बहुत नाजुक होते हैं, इसके फूलों का स्टेम भी बहुत नाजुक होता है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा पानी इनकी सॉइल में हो जाएगा तो ये तुरंत डेड हो जाते हैं। तो इसकी सॉइल बनाते वक्त मैंने सैंड ऐड की है, इसमें कंपोस्ट मिलाया था जब मैंने इनको इसमें लगाया था इस कंटेनर में, और ऐड किया था नॉर्मल गार्डन सॉइल। सॉइल में ये बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हुए हैं। आपको इन सब की ग्रोथ भी दिख रही होगी। एक हिस्से में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है कंटेनर के और एक हिस्से में थोड़ी कम। इसका रीज़न बताती हूँ गाइस। इम्पेशंस को जब भी आप लगाएं तो जैसे कि विंटर के फ्लावरिंग प्लांट के साथ हम इसे लगाते हैं, तो इनकी वाटरिंग नीड का हम बहुत ध्यान रखें, ये ज़रूरी है। आप अगर अभी लगाते हो तो आपको गर्मियों में, मतलब मौसम में गर्मी आने की वजह से इस चीज़ को बढ़ाना होगा। मैं बात कर रही हूँ वाटरिंग की। विंटर होने की वजह से मेरे पौधों में 2 से 3 दिनों तक पानी नहीं सूखता था इस कंटेनर में, तो ऐसे में मैं वाटरिंग करती थी 2 से 3 दिनों के डिस्टेंस में। पानी कम देना ज़रूरी होता है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा पानी हो जाता है तो इम्पेशंस एकदम से गलने लगते हैं और नेक्स्ट डे आपको ये पौधा गायब मिलेगा। ये तुरंत श्रिंक हो जाते हैं पानी ज़्यादा होने से और गलने लगते हैं, ख़राब हो जाते हैं। सो जब भी मैं वाटरिंग करती थी अपने पौधों में, इस बात का ध्यान रखे करती थी कि मैं 2 से 3 दिनों का डिस्टेंस दूँ। पौधे की मिट्टी को ज़रूरत महसूस हो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती थी अपने इन पौधों में। फिर भी कुछ पौधों को ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम हुई और इसी वजह से उनकी ग्रोथ कम है, जो आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। गाइस मेरे पौधों की हेल्थ बहुत अच्छी है। इम्पेशंस पे पेस्ट अटैक बहुत जल्दी होता है क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट जूसी स्टेम वाला पौधा है। सबसे ज़्यादा इस पर अटैक करते हैं स्पाइडर माइट्स और मिलीबग। इनसे बचाने के लिए मैंने जब अपनी सीडलिंग को लगाया था तब भी से नीम ऑयल का सॉल्यूशन बना के इस पर रेगुलरली स्प्रे किया है, हर 15-20 दिनों में एक बार। मैंने सॉल्यूशन का प्रपोर्शन भी लिख दिया है ऊपर वीडियो में, ताकि आप भी उसे बनाकर ट्राई करो अपने पौधों पे, ये ज़रूरी होता है। और हाँ, ये स्प्रे मैं शाम के वक्त करती थी, दिन में नहीं करती थी। ज़रूरी इसीलिए होता है कि अगर इसमें शुरुआत से ही कोई पेस्ट नहीं लगेगा तो आपका पौधा सेफ रहेगा और उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। मेरे इन पौधों की ग्रोथ देखकर आप समझ सकते हो कि मैंने इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी तरफ से वो सारी कोशिशें की हैं जिससे कि इनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे, और इसी वजह से इनका डेवलपमेंट बहुत बेहतरीन दिख रहा है। अगर आप इम्पेशंस को अभी फरवरी में लगाएंगे सीड से, तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि आप इसमें वाटरिंग करें तो 1 से 2 दिनों के डिस्टेंस में, क्योंकि अब मौसम में गर्मी बढ़ जाएगी। एक बात और गाइस, जब मैंने शुरुआत में इसकी मिट्टी में कंपोस्ट मिलाया था और 15 से 20 दिनों के बाद जब इन पौधों का डेवलपमेंट शुरू हुआ, 1 महीना समझ लीजिए, उसके बाद मैंने इनकी ग्रोथ के हिसाब से इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ही अब तक इस्तेमाल किया है। जीवामृत को मैं हर हफ्ते पानी के साथ ही घोल के दे दिया करती थी, थोड़े थोड़े क्वांटिटी में, और रिजल्ट जो है आप लोगों के सामने है। किसी भी टाइप के कंटेनर में आप इसे आसानी से लगा सकते हो, क्योंकि इसकी पौधे की ग्रोथ जो है उस हिसाब से मीडियम हो या बड़ा, हर कंटेनर में ये अपने आप को बहुत हेल्दी तरीके से डेवलप कर लेता है बहुत आसानी से। सो गाइज, ये थी इन्फॉर्मेशन इम्पेशंस को ग्रो करने की और उससे जुड़ी केयर की। ये सारा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने आप लोगों से शेयर किया, और इस तरीके से ही मैं अपने इम्पेशंस को ग्रो कर रही हूँ। अभी तो ये और खिलेगा। आप लोगों की इच्छा है तो आप अभी भी इसकी सीड लगा सकते हो। बहुत इजीली ये डेवलप होता है और बहुत जल्दी फ्लावरिंग पर भी आ जाता है। कैसी लगी इन्फॉर्मेशन ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे आने वाले नए लोगों से रिक्वेस्ट है, हमें सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें और बताइएगा वीडियो कैसा बना। तब तक टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।